वाइब्रेंट गुजरात में जाना एक अच्छा मौका होता है। जो हमारा बिजनेस होता है उसमें पॉजिटिव थीम क्या होती है, या तो नॉलेज के लिए हम किससे मिल सकते हैं, तो एक ही एक सेंटर होता है जो वाइब्रेंट गुजरात होता है। वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन मिलते हैं, बहुत सारे स्टोर होते हैं, बहुत सारे किसान मिलते हैं, और सबसे मिलने के बाद हम लोग जो बातें करते हैं उसमें से हमें बहुत सारी ऐसी व्यू मिलती है कि हम घर पे जो करते हैं उसमें अलग क्या कर सकते हैं, तो उसका नॉलेज भी मिलता है। और उसी नॉलेज की वजह से हम लोग हर साल जाते हैं और उसका बेनिफिट आज देख रहे हो, जो घर पे मेरा फार्म है उसमें मैं ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा हूँ। तो आप कहीं ना कहीं लग रहा है आपको कि वाइब्रेंट समिट की वजह से आपका जो बिजनेस है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है? डेफिनेटली सर, घर पे बैठे रहेंगे तो नॉलेज ही नहीं आएगा। जो हम लोग सिंपल डेयरी फार्म कर रहे थे, दूध निकालते थे, दूध डालते थे और समझते थे बहुत अच्छा कर रहे, लेकिन लॉस होता था। ये जाने से नॉलेज बढ़ता है, और नॉलेज बढ़ने से आगे क्या कर सकते हैं उसकी सोच बदलती है, और सोच की वजह से हमारा बेनिफिट बढ़ता है और काम बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है। तो डेफिनेटली वाइब्रेंट में जाना चाहिए, समझना चाहिए, और बहुत सारे एग्जीबिशन होते हैं उसमें भी जाना चाहिए, सेमिनार में अटेंड करें, तो वो नॉलेज मिलना ही मिलना है।